बनारस के डिजिटल चाय की पीएम ने की चर्चा, कहा चाय की अड़िया सुनी हुई तो काशी ने शुरू कर दी डिजिटल अड़िया। जिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना काल में काशी की जीवंतता की चर्चा की। शुक्रवार को काशी की जनता से ऑनलाइन संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, काशी के लोगों की जीवंतता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो उसके सामने कोरोना क्या चीज है। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि काशी की जो विशेषताएं हैं उनमें से एक चाय की अड़ियां सूनी हो गई हैं। इसके राह भी काशी वासियों ने निकाल ली है और डिजिटल अड़ी शुरू हो गई है। विभिन्न वर्ग के लोगों ने अड़ी परंपरा को जीवंत किया है। यूं कहें तो डिजिटल अड़ियों के जरिए काशी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि किस तरह से घर में बैठे बैठे आप अपनों से जुड़ सकते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवंतता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो उसको सामने कोरोना क्या चीज है, ये आपने दिखा दिया है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के अब काशी की जो विशेषताएं हैं, इस कोरोना के कारण काशी में चाय की अड़ियां वो भी सुनी हो गई है, तो अब डिजिटल अड़ी शुरू हो गई है। अलग अलग क्षेत्र की विभूतियों ने अड़ी परंपरा को तो जीवंत किया है। 24 घंटे गुलजार रहने वाली चाय की अड़ियां लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बंद थी। ऐसे में लोगों से संवाद स्थापित करने का नया तरीका भाजपा नेता अरविंद मिश्रा ने अपनाया और डिजिटल चाय की शुरुआत की। रोजाना सुबह 8 बजे किचन में चाय बनाने से लेकर चुस्कियों तक लाइव चर्चा की। इस दौरान डिजिटल चाय की अड़ी पर चर्चा में हजारों लोग जुड़े और कोरोना से बचाव समस्या उसके निदान आदि पर खूब सुझाव भी आए। ऐसे कर लें सर, किस तरीके का ये डिजिटल चाय की अड़ी है और प्रधानमंत्री ने जो कहा कैसा लगा आपको? कोरोना वैश्विक महामारी जब आई तो ऐसे में शुरुआत में ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि कोरोना महामारी को भगाने के लिए आपको अपने घरों में रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग घरों में रहेंगे तो ये स्प्रेड होता है, यह संक्रमण है, छूने से होता है यह बीमारी। तो ऐसे में लोग अपने घरों में कैद हो गए, जबकि बनारस का फक्कड़पन, बनारस की मस्ती, बनारस का एक स्वभाव रहा है, बनारस का संस्कार रहा है चाय की अड़ियाँ। बनारस का ये एक संस्कार है। और जैसे 80 पर पप्पू की अड़ी, सोनारपुरा पल्लू की अड़ी, गोविंद सरदार की अड़ी कमच्छा पर, तो इस तरह से पूरे बनारस में जगह जगह चाय की अड़ियाँ लगती हैं, जहाँ समाजसेवी, राजनीतिक लोग और आम जनता, युवा, प्रबुद्ध लोग, सभी लोग जुटते हैं अड़ियों पर और लोग आपस में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं देश विदेश की। यहाँ काशी से लेकर के पूरी सृष्टि तक की चर्चा होती है अड़ियों पर। और ये सुबह की शुरुआत अड़ियों से ही तमाम लोगों की होती है बनारस में। लोग घरों में चाय नहीं पीना पसंद करते, उन अड़ियों पर बैठ करके चाय पीना पसंद करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उन पर बातें करते हैं। तो ये अड़ियाँ बंद हो गई लॉकडाउन होने की वजह से, इन पर ब्रेक लग गया, पूर्ण विराम लग गया, भट्टियाँ सुनी हो गई चाय की। तो ऐसे में जो अड़ी पर बैठने वाले थे, जो युवा थे, जो बुजुर्ग थे, जो समाजसेवी थे, जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग थे, सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। जब अपने घरों में कैद हो गए तो ऐसे में परिस्थितियाँ बदल गईं। अब उनको स्वयं को कैसे बातें करें एक दूसरे से, कैसे चर्चा करें, कैसे अड़ियाँ लगाएं। तो मेरे दिमाग में आया कि हम सब जो अड़ियाँ, चाय की अड़ियाँ लगाते थे चाय की दुकानों पर, तो चूँकि सोशल मीडिया पर मैं काफ़ी सक्रिय रहता हूँ
और सोशल मीडिया पर फेसबुक पर मैं सक्रिय रहता हूँ, लाइव करना, लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, चाय की अड़ियों का सेलिब्रेशन मतलब लाइव। तो ऐसे में हमने सोचा कि इसको डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ करके, फेसबुक के साथ जोड़ करके इसको डिजिटल अड़ी के रूप में विकसित किया जाए। तो अपने दोस्तों से चर्चा भी होती रहेगी, बातें भी होती रहेंगी, और हम इस डिजिटल चाय की अड़ी का पेज मैंने बनाया और उस पेज पर जुड़ने के लिए सबसे आह्वान किया। और उसके बाद किचन में चाय बनाने से लेकर के चाय की चुस्कियों तक बैठ करके, फिर आमने सामने बैठ करके फेसबुक लाइव अपना बात करने लगे, चर्चा करने लगे, उस पर किसी न किसी किसी व्यक्ति विशेष को उस पर जोड़ करके लाइव चर्चा करने लगे। कभी कोई ज्योतिषाचार्य, कभी कोई किसी धर्म के क्षेत्र में विशेषज्ञ है और धार्मिक व्यक्ति है, कभी कोई डायबिटीज़ विशेषज्ञ है डॉक्टर, तमाम चिकित्सकों से जोड़ करके उन पर लाइव करने लगे। और डिजिटल चाय की अड़ी फिर फेसबुक पर लगने लगी, वो डिजिटली चाय की अड़ी लगने लगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से डिजिटल चाय की चर्चा की, कैसा लग रहा है फिर आपको और क्या कहना चाहेंगे? और एक अद्भुत सुखद पल और हर्ष का पल रहा हम सबको लोगों के लिए। दो दिन पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब काशी के प्रबुद्ध जनों से संवाद कर रहे थे, उस दौरान चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी की नज़र काशी पर हमेशा बनी रहती है और बाबा विश्वनाथ की कृपा उन पर बनी रहती है और उनका विशेष लगाव काशी से है, काशी के कोने कोने में होने वाली गतिविधियों पर उनकी नज़र रहती है, और इसी में उन तक यह खबर पहुंची कि काशी में कोरोना काल में सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं तो डिजिटल चाय की अड़ी भी लग रही है, काशी की अड़ियाँ सुनी हो गई हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा संवाद के दौरान, उन्होंने कहा कि काशी अपने फक्कड़पन में, अपनी मस्ती में रहने वाला शहर है, यहाँ अड़ियाँ लगती हैं तो काशी में चाय की अड़ियाँ सुनी हो गई। तो चाय की अड़ियाँ सुनी हो गई तो काशी ने अपना एक नया तरीका खोज लिया, उन्होंने डिजिटल अड़ी लगानी शुरू कर दी। तो इसी डिजिटल चाय की अड़ी पर और कलाकारों ने अड़ी लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने सब पर कहा, तो ये डिजिटल चाय की अड़ी पर चर्चा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की, यह हम सब लोगों के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पल है, यह हर्ष का पल है, हमारे तमाम उन साथियों के लिए भी है जो हमारे साथ जुड़े रहे, और लाखों लोगों के लिए है जो काशी की जनता है जो अड़ियों में आनंद लेती है, उनके लिए हर्ष का पल है और हर्ष का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस पर भी चर्चा की। धीरे धीरे डिजिटल चाय की तर्ज पर विभिन्न संस्थाओं ने अड़ियां शुरू की। डिजिटल अड़ियों का यह प्रयोग दूसरे राज्यों के लोगों ने भी अपनाया। आज स्थिति यह है कि कोरोना संकट को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं ने डिजिटल संवाद शुरू किया है। चाय समेत काशी की विभिन्न अड़ियों को डिजिटल जोड़ने एवं देश दुनिया तक संदेश देने की पीएम के द्वारा चर्चा किए जाने पर काशी की जनता ने आभार जताया है।